बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, क्या हाल है आपके। उम्मीद आप सब बढ़िया होंगे और खुशहाल होंगे। मेरा नाम है कुणाल, तो आप हैं हमारे चैनल पर जिसका नाम है रिएक्शन वाला कपल। तो काफ़ी लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं कि शिवानी भाभी कहाँ है, तो आपको कुछ बहुत लोगों को पता है पर कुछ को नहीं पता। तो अभी मतलब शिवानी की अभी हमारी मतलब एक तरह से प्रेगनेंसी चल रही है, तो डेट आने ही वाली है, तो ज़्यादा देर तक बैठा नहीं जा सकता। तो उस करके कुछ आने वाले कुछ हफ्तों तक या मे बी एक आध महीने तक मैं अकेला ही समझने की कोशिश करूँगा, वीडियो करने की या समझने की कोशिश करूँगा आपके साथ। तो आज हम कर रहे हैं क्योंकि आगे रमज़ान आने वाले हैं, तो और हमने कहा भी था कि रमज़ान से पहले पहले हम ये सीरीज़ करनी स्टार्ट कर देंगे। और ये है बुखारी रिकॉर्ड से नुमान अली खान की कुरान और हम, ये सीरीज़ है और ये स्टार्ट करते हैं। आज करेंगे इसका एपिसोड 1, तो स्टार्ट करते हैं कुरान और हम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिद अल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिही व सहबिही अजमाईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड रमजान करीम इंशाल्लाह तआला। इस सीरीज में मैं पहले इस एपिसोड में आपको थोड़ी सी तारुफी बातें कर दूं आपके साथ अपने बारे में और इस प्रोग्राम के बारे में इंशाल्लाह, और फिर अगले हलकात से फिर कुरान के बारे में कुछ बहस होगी। पहली बात अपने बारे में थोड़ी सी कि मेरा ताल्लुक आपको तो पता ही है पाकिस्तान से है, लेकिन मैं पाकिस्तान में बहुत कम रहा हूँ। मैं पाकिस्तान में तकरीबन 1 साल से भी कम रहा हूँ, वो भी मिला जुला के, यानी कुछ महीने एक दफ़ा, कुछ महीने एक दफ़ा। ज़्यादातर यानी अक्सर वक्त जो मैंने पाकिस्तान में गुजारा है, मैंने एक वक्त में 9 महीने गुजारे, वो भी 8वीं जमात के 9 महीने थे, और उसके बाद फिर हम यहाँ पर आ गए थे। मेरा कुछ वक्त सऊदी में गुजरा, उससे पहले जर्मनी में, और यहाँ मैं 14 साल की उम्र से हूँ अमेरिका में। अच्छा, शुरू की तालीम मेरी क्योंकि उर्दू मीडियम में थी, इसलिए मैं उर्दू पढ़ भी लेता हूँ, लिख भी लेता हूँ, बोल भी लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उस वक्त से छूटी नहीं है, उर्दू के साथ रहता मेरा बिल्कुल मुंतकते नहीं हुआ, मुसलसल रहा है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं जब हाई स्कूल में था यहाँ पर, तो क्योंकि हमारी दीनी तालीम जो ऑफिशियल पाकिस्तान की दीनी तालीम होती है, उसमें दीनियात तो है लेकिन दीनियात पे कोई ख़ास जोर नहीं दिया जाता। यानी आप कुछ सूरतें आप पढ़ते हैं, कुछ सूरतों की तशरीह पढ़ते हैं, वो 30 में से 12 की होती हैं, छोटी सूरतें, वो कुछ याद करते हैं, उनकी तशरीह पढ़ते हैं, सीरत में से कुछ वाक़यात पढ़ते हैं, उसके अलावा कुछ ज़्यादा बहस नहीं होती दीन के ऊपर। और अगर आपका कोई दीन का कॉन्सेप्ट भी है कुरान के बारे में, जो आपकी मालूमात हैं वो सिर्फ तकरीबन उसी तालीम से हैं, या एक दो चीज़ें जो आपने कभी खुतबे में कहीं सुन ली हो वो आपको पता है, उसके ज़्यादा उससे मज़ीद आम मुसलमान को कुरान के बारे में कोई ज़्यादा इल्म नहीं है। मुझे भी नहीं था, मेरी फैमिली को भी नहीं था। तो जब यहाँ पर आए तो मैं हाई स्कूल में था, और तकरीबन यही कह लें कि पहले 2 साल के अंदर अंदर मेरा दीन से बिल्कुल वास्ता ख़त्म हो गया, यानी यहाँ तक कि जुमे की नमाज़ भी मैं नहीं पढ़ता था। एक वजह तो ये थी कि स्कूल फ्राइडे को यहाँ पर होता है, ऑफ नहीं होता। दूसरा यह था कि दिल भी नहीं चाहता था जाने को, क्या फ़ायदा जाने का, सारे मेरे दोस्त नॉन मुस्लिम्स थे, तो मेरा तमाम माहौल जो है वो दीन से बिल्कुल कट हो चुका था एक तरह से, और मैं बिल्कुल इमर्स हो गया था। उर्दू भी बोलनी मैंने छोड़ दी थी, इंग्लिश में ही बात करता था, इंग्लिश में अबू अम्मी भी उर्दू में बोलते हैं तो मैं इंग्लिश में जवाब देता था। यू नो, एक तरह से एक शर्म आती है उर्दू बोलने में, जब यहाँ आ जाओ यू नो ब्लेंड विद एवरीबॉडी एल्स, सबके साथ मिक्स होना पड़ता है, राइट। तो आई वॉज कम्प्लीटली इमर्स। अच्छा, फिर अबू की ट्रांसफ़र हो गई, अबू फॉरन सर्विसेज में थे तो उनकी ट्रांसफ़र हो गई वापस पाकिस्तान, लेकिन मैं यहाँ अपनी पढ़ाई के लिए वापस रह गया, कंटिन्यू की अपनी एजुकेशन यहाँ पर। तो अब मैं अकेला था, तो पहली जो एक चीज़ थी वो इंसान को थोड़ा इंसान रखती है, वो वालदैन होते हैं। अब वो भी नहीं थे, मैं अकेला था न्यूयॉर्क में, तो यू कैन इमेजिन जो करना है करो, जैसे करना है करो, नमाज का कोई अहतमाम नहीं, दीन का कोई अहतमाम नहीं, दोस्त ज़्यादातर मेरे गैर मुस्लिम दोस्त थे, लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ा एहसान है कि कॉलेज के दिनों में एक दोस्त से मुलाकात हुई जो मुझे घर राइड दिया करता था। यानी मैं आमतौर पर मैं ट्रेन लेके सबवे लेके घर जाता हूँ, 1.5 घंटा लगता था मुझे घर पहुँचने में, उसके पास गाड़ी थी, और शायद मैंने दोस्ती भी उससे इसीलिए की थी कि उसके पास गाड़ी थी। तो वो गाड़ी में मुझे छोड़ा करता था घर। तो एक दफ़ा वो घर, हम रस्ते में जा रहे थे तो ट्रैफिक ज़्यादा थी, तो उसने मुझसे कहा, यार अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं ज़रा रोक के नमाज़ पढ़ लूँ। अच्छा, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि नमाज के दौरान ड्राइव कर रहे हो, तो कभी मुझे एहसास नहीं हुआ कि ये नमाजी है। तो उसने मुझसे कहा, बुरा ना मानो तो मैं ज़रा पुल ओवर करके नमाज़ कर लूँगा। इस वक्त आप अंदाज़ा करें, मुझे तकरीबन 2 साल तो हो गए होंगे मैंने नमाज नाम की कोई चीज़ ना सुनी ना पढ़ी, ना ईद की नमाज़, ना जुमे की नमाज़, कुछ भी नहीं। मैंने कहा, पढ़ लो जो करना है करो, तुम करो।
तो वो किसी मस्जिद में घूम घुमा के गया क्वींस के अंदर, गाड़ी बाहर पार्क की, अंदर चला गया। अब मुझे बुरा लगा कि यार मैं बाहर बैठा हूँ, अंदर जाके नमाज़ पढ़ रहा है, मैं भी अंदर चला गया। अब मुझे ये भी नहीं याद कि वज़ू कैसे करते हैं, तो मैंने वज़ू के बगैर नमाज़ पढ़ी ऐसे ही, उसको उसके साथ ही खड़े होकर उसको फॉलो करके नमाज़ पढ़ी। वापस आए तो एक दिल में एहसास हुआ कि यार ये क्यों छोड़ दी मैंने नमाज़। फिर मैंने नमाज सीखनी शुरू की दोबारा से, दोबारा छोटी सूरतें याद की, वो भी याद नहीं थी, दोबारा याद की, फिर दोबारा नमाज़ पढ़नी शुरू की। और फिर एक दफ़ा जब नमाज का चस्का पड़ा तो पांच वक्त की नमाज़ पढ़नी है। पहले तो ये हुआ कि यानी दिन के आखिर में पांचों नमाज़ें इकट्ठी कर लो, फिर थोड़ा बहुत सीखा तो पता चला कि नमाज़ को अपने वक्त पे पढ़ना पड़ता है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताब मौकूता, नमाज मोमिन पर एक ऐसी चीज़ है जो ऐसा कानून है जो वक्त पर है, मौकूत, उसके खास अवकात हैं। तो ठीक है, अब वक्त पे नमाज पढ़नी शुरू की। अब वक्त पे कभी कॉलेज क्लास चल रही है तो बीच में से छोड़ के हॉलवे में कभी क्लास हो रही है, कभी कहीं यू नो सबवे में है तो सबवे स्टेशन पे साइड पे होके नमाज हो रही है। तो नमाज जब थोड़ी पढ़नी शुरू की तो एहसास हुआ कि कुछ पता नहीं पढ़ क्या रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आती पढ़ क्या रहा हूँ। तो किसी ने तोहफे में मुझे इंग्लिश ट्रांसलेशन दी कुरान की, यूसुफ अली की ट्रांसलेशन, मुझे अभी तक याद है, रहमतुल्लाह की ट्रांसलेशन थी उर्दू की और इंग्लिश की। और उनकी इंग्लिश अगर आपने पढ़ी हो तो इट्स फील्स लाइक शेक्सपियर, बहुत मुश्किल अंग्रेज़ी है। तो वह मैं सबवे में पढ़ने की कोशिश करता था लेकिन समझ नहीं आती थी क्या कह रहे हैं। फिर मैंने उर्दू तर्जुमा पढ़ने की कोशिश की, उर्दू में मैं और कन्फ्यूज़ हुआ, क्योंकि उर्दू में जब तर्जुमा करते हैं तो वो लफ्ज़ा लफ्ज़ा तर्जुमा करते हैं ना, तो वो ये नहीं कहते मैं शुरू करता हूँ, कहते हैं करता हूँ शुरू, इस तरह उल्टी तरतीब में लिखते हैं तर्जुमा। और फिर साइड पर बड़े मोटे मोटे हाशिए होते हैं जो किसी इंसान को समझ नहीं आते, तो वो आई गिव अप, मैंने कहा ये तो मेरे समझने से बाहर है। यानी कुरान पढ़ने से ज़्यादा जवाब आने के बजाय ज़्यादा सवाल जहन में आने शुरू हो गए, ये सब्जेक्ट एकदम से ऐसे चेंज क्यों हो गया, ये बार बार बात दोहराई क्यों जा रही है। अगर ये सूरह, इसका नाम सूरह बकरा है तो इसमें गाय के अलावा और इतनी दूसरी बातें क्यों हो रही हैं। अगर इस सूरत का नाम आले इमरान है तो इसमें इमरान की फैमिली के बारे में बात होनी चाहिए, और क्या बात क्यों हो रही है यहाँ पर, और ये क्या चीज़ है, ये चक्कर है, कुछ मदनी है कुछ मक्की सूरत है। अगर अच्छा मक्की पहले थी मदनी बाद में थी तो शुरू में ही सारी मक्की क्यों ना कर दी, आखिर में सारी मदनी क्यों ना कर दी, ये सवाल मेरे जहन में आने शुरू हो गए। अच्छा मैं अब सवाल पूछूं भी तो किससे पूछूं, को पूछने वाला जवाब देने वाला नहीं। अच्छा आगे थोड़ी और कहानी चली, एक मौका मिला मुझे, डॉक्टर अब्दुल समी आए हुए थे पाकिस्तान से, वो मेरा ख्याल है फैसलाबाद में होते हैं अब, रोज़ रात को 20 तरावी और हर चार रकात के बाद जो चार रकात में पढ़ा गया उसका तर्जुमा और तफसीर, और हल्की सी तफसीर यानी तर्जुमा ही कह लें, लेकिन मुसलसल तर्जुमा, कोई मुश्किल बात हो तो उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया लेकिन चलते रहे रवानी के साथ। तो रोज़ाना एक सिपारे का तर्जुमा और तफसीर, यानी रात को एक एक दो दो बजे तक उनका प्रोग्राम चलता था। तो मैं एक दफ़ा गया, मैंने सुना, मैंने पहली दफ़ा समझा कि मुझे कुरान वाकई समझ में आना शुरू हो गया है। तो मैं रोज़ाना गया, मैं 30 दिन मुसलसल उस प्रोग्राम में गया दौरा तर्जुमा कुरान में, और उस प्रोग्राम के आखिर में मैंने उनसे जाके कहा कि आप जो काम करते हैं मैंने ये काम करना है। आई वॉज सो इंस्पायर्ड, पहली दफ़ा मुझे एहसास हुआ कि मैं पूरी ज़िंदगी मुसलमान रहा हूँ लेकिन मुझे ये पता नहीं था ये कुरान है क्या चीज़। पहली दफ़ा मुझे एहसास हुआ कि कुरान में कोई ऐसी बात है जो मुझसे की जा रही है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं जो आप काम करते हैं मैं करना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा हाँ बहुत आसान है, अरबी सीख लो। फिर मैंने कहा अरबी कहाँ सीखूँ। तो कहते हैं मेरी क्लास दो दिन में शुरू हो रही है, आ जाना। उनका 3 हफ्ते का कोर्स था, 3-3 घंटे का रोज़ाना का। मेरी रूटीन ये थी, मैं सुबह जॉब पर जाता था, फिर वहाँ से कॉलेज जाता था, फिर वहाँ से यहाँ मस्जिद आता था 3 घंटे की क्लास करने, फिर दोबारा अगले दिन सुबह 5 बजे दोबारा रूटीन शुरू। 20-20 घंटे मेरे तकरीबन दिन होते थे उनके साथ अरबी पढ़ी 3 हफ्ते। 3 हफ्ते को बड़ी बात नहीं है, 3 हफ्ते का कोर्स ख़त्म करने के बाद उन्होंने नोटिस किया कि मेरी को खास दिलचस्पी थी अरबी में, और अल्लाह ने भी जहन खोल दिया अरबी की तरफ। वैसे बाकी क्लासों में मैं बड़ी चैन से सोता हूँ, अरबी क्लास में मुझे नींद नहीं आई है। तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो तुम मेरे साथ दोबारा पढ़ लो यही कोर्स। तो उन्होंने मुझे 1-on-1 3 मज़ीद हफ्ते जस्ट पर्सनली मुझे और पढ़ाया 3 हफ्ते। और फिर उसके बाद उनकी फ़्लाइट वापस पाकिस्तान जा रही थी, तो उन्होंने कहा अच्छा अब तुम्हें मुझे पेमेंट करनी है। जाते दिन आखिरी दिन मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब, कहते हैं मुझे पेमेंट करनी है तुम्हें। मैंने कहा आप जो कहें, पैसे तो मेरे पास थे नहीं, खैर पेमेंट क्या करूँगा मैं, शायद मैं फिश सैंडविच लेके आ जाता, मैं उनको दे देता। तो कहते हैं अब तुम्हें पढ़ाना है, जो मैंने तुम्हें पढ़ाया वो तुम्हें पढ़ाना है। डॉक्टर साहब मैंने 6 हफ्ते पढ़ा है, मैं क्या पढ़ाऊँगा, मुझे क्या पता है। नहीं जिसको पढ़ा सकते हो पढ़ाओ, बस पढ़ाओ। ओके आप कहते हो तो पढ़ा देता हूँ। फिर मैंने अपने कॉलेज में अरबी पढ़ानी शुरू की, दोस्तों को अरबी जो सुने ना सुने उसे मैंने अरबी पढ़ानी शुरू कर दी। घर में अरबी पढ़ानी शुरू कर दी।
शादी हुई तो वाइफ को अरबी पढ़ानी शुरू कर दी, किसी को नहीं छोड़ा, बस अरबी पढ़ानी शुरू कर दी। एक तरफ से शौक, और जितनी अरबी पढ़ूँ फिर मुझे एहसास हुआ कि ठीक है मुझे कुछ फंडामेंटल्स, कुछ बेसिक अरबी तो आ गई है डॉक्टर साहब की वजह से, लेकिन मुझे अपनी अपनी तालीम भी आगे करनी है। मेरे पास इतना इल्म नहीं है कि मैं पूरी तरह कुरान को समझ सकूँ। ठीक है, अब कुछ कुछ कुरान समझ आना शुरू हो गया। जब मैं नमाज में खड़ा होता था तो काफ़ी हद तक, मेरा ख्याल है 50% कह लें, मुझे खुद एहसास होता था कि बात समझ में आ रही है, लेकिन फिर भी 50% बाकी था, राइट। और अभी भी मैं कॉलेज स्टूडेंट था, अभी भी मेरी फुल टाइम जॉब भी थी और ये पार्ट टाइम का सिलसिला था कुछ दोस्तों के साथ, ऐसे जो भी फ्री टाइम मिले उसमें। फिर अल्लाह ताला ने और दरवाजे खोले। इसके बाद कुछ थोड़े बहुत पैसे जमा होते थे तो मैं अरबी की किताबें खरीदता था, तो अरबी की किताबें खरीद के मैंने खुद से पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि बेसिस तो थी, डॉक्टर साहब ने एक बेसिक तालीम दे दी थी, तो खुद से मैंने अपने आप को एडवांस करने की कोशिश की। तो मदीना का करिकुलम, फिर रियाद का करिकुलम, फिर इजिप्ट का करिकुलम, अल अरबिया तो बिना यदि, फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का करिकुलम, फिर जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी का करिकुलम, एक के बाद दूसरा मैंने खुद से पढ़ना शुरू किया। और जहाँ कहीं फंस जाता, क्योंकि न्यूयॉर्क में था, वहाँ इमाम बहुत हैं, तो किसी मस्जिद में गए, किसी अरब इमाम से पूछ लिया ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, वरना खुद से मुताला कंटिन्यू किया मैंने। अच्छा, इस दौरान क्योंकि मेरे नज़दीक जो मेरी मोटिवेशन थी अरबी पढ़ने की, वो असल थी कुरान समझना। मैं सिर्फ अरबी इसलिए पढ़ना चाहता था कि मुझे कुरान डायरेक्टली समझ आए और ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए। अच्छा, जैसे मेरी अरबी पढ़नी शुरू हुई तो मुझे ये एहसास हुआ कि जो कुरान मैं पहले पढ़ भी चुका हूँ ना, वो भी मुझे असल में समझ नहीं आया था। यानी उसमें एक गहराई थी जो मैंने उसको अंडर एस्टिमेट किया था। मैं समझा था कि समझ आ गई बात, ये लफ्ज़ है इसका ये मायना है, लेकिन बाद में पता चला कि इसके और बहुत गहरे मायने भी हैं। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि शायद मेरे फहम में और मेरी अंडरस्टैंड में कुछ चीज़ मिसिंग है। अच्छा, इस दौरान क्योंकि कुरान से दिलचस्पी थी और अरबी इतनी मेरी एडवांस थी नहीं कि मैं खुद से जाके तफसीर पढ़ सकूं अरबी की, तो इंग्लिश में ज़्यादा तफसीरें हैं नहीं, तो फिर मैंने उर्दू तफसीरें पढ़नी शुरू की। मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह, उनकी मारिफुल कुरान, अभी तक मैं उसका मुताला करता हूँ, तदब्बुरुल कुरान, अमीन हसन नसाई साहब, इब्न कसीर का उर्दू तर्जुमा, जो भी तफसीरें मुझे मिली, तफसीर मजहरी जो भी मिला, तफसीर उस्मानी, वो मैंने कॉपीज लेके उनको पढ़ना शुरू किया। लेकिन फिर भी मुझे एहसास होता था कि कुछ मिसिंग है, जब तर्जुमा पढ़ा कुछ चीज़ मिसिंग है, कुछ समझ नहीं आ रही बात। तो फिर मैंने अपने आप को फोर्स किया अरबी सुनने पे, यानी जो अरब उलमा हैं उनके जो कुरान के लेक्चर्स हैं। अब मुझे इतनी अरबी आती नहीं है कि मैं सुन के समझ सकूँ, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को फोर्स किया कि सुनूँ बैठ के। एक ही लेक्चर एक घंटे का है तो मैं 20-20 दफ़ा सुनूँ जब तक समझ नहीं आ जाए। एक एक लफ्ज़ जो नहीं आता वो लिख लूँ, डिक्शनरी में जाकर ढूंढूँ, और उन्होंने बैठ के फिर पूरे पूरे लेक्चर ट्रांसक्राइब किए अरबी के। पहली लेक्चर सीरीज जो मैंने सुनी थी उसका नाम था एजाज़ुल कुरान, तारिक सुवेदान एक आलिम है कुवैत के, उन्होंने ये सीरीज़ की थी 16 घंटे की कुरान के मौजज़े पे। तो मैंने पहले घंटे में ही 20 घंटे मैंने गुजारे हैं सुन सुन के। और फिर हुआ ये कि अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से अरबी सुनना जो है आसान हो गई मेरे लिए। अच्छा, वो लेक्चर सीरीज सुनने के बाद मुझे एहसास ये हुआ कि जो तालीम मैंने हासिल की थी कुरान पे के अंडर अब तक, यानी डॉक्टर अब्दुलसमी से, डॉक्टर इसार अहमद से, और डॉक्टर फरहत हाशमी को भी काफ़ी सुना, और बाकी जो भी उलमा मिले, यहाँ पर एक मौलाना अब्दुल सलीम है, उनकी कुरान एक्सप्लोर .com है, उनके दुरूस को सुना, उनसे जो कुछ सीखा, और अरब उलमा है जो बात कर रहे हैं वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, वो एक बात नहीं कर रहे जैसे कि वो दो कुरान पढ़ रहे हैं माहदुल्ला। मालूम होता है कि वो बिल्कुल उनका जो पर्स्पेक्टिव है वो बिल्कुल ही और है। हमारे यहाँ जो स्ट्रेंथ है, जो मेरे नज़दीक मेरी अपनी ज़ाती बात है, हमारे यहाँ जो हमारे उलमा की बहस है इज़ वेरी फिलोसॉफिकल, उसमें फ़लसफ़ा बहुत है, उसमें हिकमत बहुत है, उसमें फ़वाद बहुत हैं। उनके यहाँ हर लफ्ज़ की गहराई में जाकर इस लफ्ज़ का मायना क्या है, इससे क्या फ़ायदे निकलते हैं, वो जो गहराई वहाँ मिली वो मुझे कहीं और नहीं मिली। लेकिन उनके यहाँ फ़लसफ़ा नहीं है, उनके यहाँ जदीद जो उलूम है और जदीद फ़लसफे हैं उस पर जो कुरान के ख़िलाफ़ तनकीद होती है उसका जवाब नहीं, वो हमारे यहाँ है। तो ये दो मुख्तलिफ़ दुनिया थी यानी कुरानिक स्टडीज़ की। और फिर इसी तरह मुझे उर्दू की जो उर्दू में जो मसादिर हैं, जो सोर्सेज हैं उनके फ़ायदे, उससे मैंने फ़ायदा उठाना शुरू किया। दूसरी तरफ अरबी में जो सोर्सेज थी उनसे मैंने फिर फ़ायदा उठाना शुरू किया। अच्छा, अरबी में जब मैंने ये सीरीज़ पढ़ी, पहली दफ़ा स्टडी की जो मौलाना तारिक सुवेदान की सीरीज़ थी, उसके बाद मुझे ये एहसास हुआ कि कुरान में जो खूबसूरती है, असल खूबसूरती, वो उसकी अरबी में है। और उसके तर्जुमे में आप उसका मैसेज तो समझ सकते हैं, यानी ओवरऑल जो बात की जा रही है वो अरबी में आप समझ सकते हैं, लेकिन कुरान की खूबसूरती सिर्फ अरबी में ही समझ आएगी।
What makes the Quran beautiful? और ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, कुरान के मैसेज को समझना और कुरान की खूबसूरती को अप्रिशिएट करना, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। कोई आर्किटेक्ट आपको इंजीनियरिंग बता सकता है कि ये बिल्डिंग किस फाउंडेशन पे बनी है, इसके कॉलम कहाँ पर हैं, कितने फ्लोर ऊपर जा सकती है, इसका स्ट्रक्चर कितना पुराना है, ये चीज़ें वो बता सकता है। लेकिन बिल्डिंग की खूबसूरती एक और मामला है, बिल्डिंग का इंटीरियर डिज़ाइन एक और मामला है, वो आर्किटेक्ट का मसला नहीं है, वो डिज़ाइनर का मसला है। ये दो अलग अलग बातें हैं। मेरे नज़दीक अब तक सारा मेरा फोकस था कुरान के पैगाम पर, कुरान के मैसेज पर, कुरान को समझने पर, लेकिन मुझे कभी इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि कुरान एक खूबसूरत चीज़ है। कुरान का कलाम बहुत खूबसूरत है और उससे इंसान बहुत इम्प्रेस होता है सुनते के साथ ही। ये चीज़ें जैसे मेरी अरबी एडवांस हुई, मुझे ये बातें सामने आनी शुरू हुई, तो मैंने अपने एक टीचर से कहा, अरब थे, लिमा ला नुअल्लिम हाज़िहि अल-बलागा फ़िल-लुग़ाति अल-उख़्रा, ये चीज़ें हम दूसरी ज़बानों में क्यों नहीं सिखाते। ये मैंने कभी उर्दू में नहीं सुनी ये बात, ना कभी इंग्लिश में सुनी, सिर्फ अरबी में ये बात सीखी, तो ये हम किसी और ज़बान में क्यों? उन्होंने मुझे साफ साफ कह दिया, हाज़ा ला युम्किन फ़िल-लुग़ाति अल-उख़्रा, हाज़ा लिमन यफ़हम अल-अरबिया वल-अरबिया फ़क़त, ये मुमकिन नहीं है किसी और ज़बान में, ये सिर्फ अरबी में ही हो सकता है, ये आप किसी और ज़बान में कर नहीं सकते। कुरान की जो बलागत है, उसकी जो खूबसूरती है, वो सिर्फ अरबी में ही एक्सप्लेन की जा सकती है, और किसी ज़बान में एक्सप्लेन करना इसको मुमकिन नहीं है। मेरे दिल में उनके लिए बहुत एहतराम है, लेकिन मेरे दिल में उनसे इस बात में इख्तिलाफ था। मेरे नज़दीक ये बात किसी और ज़बान में एक्सप्लेन किसी हद तक की जा सकती है। तो उस थियोरी को सामने रखते हुए मैंने एक प्रोग्राम तैयार किया, उसका नाम था डिवाइन स्पीच, इंग्लिश में मैंने तैयार किया था वो प्रोग्राम डिवाइन स्पीच। उनमें ये तमाम अरबी सोर्सेज जिनमें ये बातें की जा रही हैं कुरान की खूबसूरती के बारे में, उनको मैंने जमा करके उसके कुछ नोट्स बना के मैंने एक वीकेंड का सेमिनार तैयार किया। ये तकरीबन 5-6 साल पहले की बात है। ये प्रोग्राम मैंने अमरीका में तकरीबन मेरे ख्याल से 100 से ज़्यादा मरतबा पढ़ाया है, ऑल ओवर, यहाँ भी, कैनेडा में भी, इंग्लैंड में भी, अभी मलेशिया में पढ़ा के आ रहा हूँ। और जहाँ तक मेरा इल्म है, मेरे इल्म के अलावा और है, जहाँ तक मेरा इल्म है, इस प्रोग्राम में तकरीबन 20 लोग मेरे सामने इस्लाम ला चुके हैं। मुझे नहीं पता था कि गैर मुस्लिम भी आए हुए हैं प्रोग्राम में, मुझे नहीं मालूम था, और मेरी नीयत भी नहीं थी किसी को दावत देना, मेरी नीयत थी बस कुरान की खूबसूरती समझाना, दैट्स ऑल, दैट्स द ओनली पर्पस। लेकिन जब वो लोग आए, मुझे आगे कहते हैं, मैं अरबी स्टूडेंट हूँ, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में अरबी पढ़ रहा हूँ, 2 साल से पढ़ रहा हूँ, मैं नॉन मुस्लिम हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं अरबी इसलिए पढ़ रहा था कि मैं कुरान की गलतियाँ निकालूँ, लेकिन आपके प्रोग्राम के बाद मैं शहादत देने को तैयार हूँ, सुभानअल्लाह। तो मैंने कहा दिस इज़ इम्पोर्टेंट, यानी हम ठीक है, कुरान का पैगाम अपनी जगह ज़रूरी है, लेकिन जब इंसान कुरान की खूबसूरती को समझेगा ना, तो उसके ईमान पर एक असर पड़ता है, उसके कुरान के उसका कुरान से ताल्लुक़ बदल जाता है। तो मेरा कुरान से ताल्लुक़ बदल गया, इस वजह से मेरा और कुरान के दरमियान जो ताल्लुक़ है वो इट्स कॉन्स्टेंटली डिवेलपिंग। अभी तक मैं पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो कुछ समझ में आता है पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस सीरीज़ में मेरी कोशिश ये होगी कि हर 20 मिनट के सेशन में आपको कोई छोटी छोटी चीज़ें, छोटे आई कॉल देम जेम्स इन इंग्लिश, जवाहिर अरबी में कहते हैं, जवाहिर, हीरे, छोटे छोटे हीरे, एक छोटा छोटा हीरा आपको दिखा दूँ कि कुरान में ये खूबसूरती क्या है, ये खूबसूरती क्या है, ये खूबसूरती क्या है। लेकिन इस इंट्रोडक्टरी सेशन में इंशाल्लाह ताला सिर्फ पहली बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर दूँ कि इस कोर्स का लेआउट क्या होगा। इस कोर्स में मैं कुछ सवाल हैं जो मेरे जहन में पहले थे, मेरे ख्याल से अभी भी बहुत लोगों के जहन में होते हैं, उन सवालों का मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। सवाल कैसे? कुरान में जो कहानियाँ हैं, अंबिया के किस्से हैं, वो थोड़े थोड़े करके क्यों हैं? यानी यहाँ पे थोड़ा, फिर वहाँ पे थोड़ा, फिर वहाँ पे थोड़ा, इकट्ठे क्यों नहीं है? सिर्फ सूरह यूसुफ इकट्ठी है, बाकी सब अलग अलग हैं, तो अलग अलग क्यों हैं? कुरान में एक ही सूरत के अंदर मौजू क्यों बार बार बदल जाता है? एक ही मौजू पर बात क्यों नहीं होती? एक ही सब्जेक्ट पर बात क्यों नहीं होती? बार बार तब्दीली आती है, क्यों होती है? कुरान की तरतीब ऐसे क्यों है जैसे है? फातिहा मक्की है, बकरा, आले इमरान, निसा, मायदा मदनी है, अनआम आराफ मक्की है, अनफाल तौबा मदनी है, ये तब्दीली क्यों? इसका क्या फ़ायदा है? कुरान में इतनी रेपिटेशन क्यों है? कुरान में एक ही बात बार बार क्यों दोहराई जाती है? वल्लाहु बिमा तअमलूना खबीर, वल्लाहु बिमा तअमलूना खबीर, वल्लाहु बिमा तअमलूना खबीर, और कभी कभी दोहराई जाती है, लेकिन दोहराई में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, कभी वल्लाहु बिमा तअमलूना खबीर, कभी इन्नल्लाहा बिमा तअमलूना खबीर। और सबसे बड़ा सवाल हम बचपन से सुनते आए हैं हम में से कई लोग कि कुरान का हर लफ्ज़ अपनी जगह परफेक्ट है, उसको अपनी जगह से हटाया नहीं जा सकता, अल्लाह ताला का कलाम है, इट्स परफेक्ट इन एवरी वे। तो इस सवाल को ज़रा गहराई में डूब के
ये सवाल पूछना कि अच्छा ये अल्लाह ताला ने ऐसे बात की है, अरबी में 20 तरह करने की बात, आप एक बात 20 तरह से कर सकते हैं, तो अगर अल्लाह ने ऐसे बात की है, अगर इसको किसी और तरह कहा जाता तो क्या फ़र्क पड़ता, अगर किसी और तरह कह देते और क्या फ़र्क पड़ता। यही तरीका सबसे बेहतरीन क्यों है और कोई तरीका इतना अच्छा क्यों नहीं है, वो सवाल भी हम पूछेंगे इंशाल्लाह ताला इस कोर्स के दौरान। सो आई होप यू एंजॉय इंशाल्लाह, और आप दुआ करें कि उर्दू जो है वो रवानी से जबान से निकले इंशाल्लाह, और आपकी समझ में भी आए। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरान अल हकीम व नफ़अनी व इयाकुम बिल आयति व ज़िक्र अल हकीम, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तो वाकई में मतलब जिस हिसाब से जिस तरीके से इन्होंने समझाया ना, मैं वाकई में बहुत एक्साइटेड हूँ वाकई में। तो जो इन्होंने बताया ना कि कुरान में एक ही बात बार बार क्यों है, जो इन्होंने क्वेश्चन रेज किए वाकई में हमारे भी कभी माइंड में नहीं आया कि एक ही बात क्यों आ रही है, और कौन सा चैप्टर पहले आता है क्या बाद में आता है, और आपस में लिंक नहीं है, ऐसे कह रहे हैं कि कोई एक टॉपिक पे बात हो रही है फिर नेक्स्ट टॉपिक आ गया फिर कोई और आ गया, तो ऐसे आगे पीछे कर कैसे कुछ है। तो मे बी अभी ये अपने तरीके से अच्छे वे में या उस वे में जिस वे में नॉर्मल इंसान ज़्यादा अच्छा समझ पाए उस वे में सिखाएंगे। पहले तो इन्होंने अपने बारे में बताया कि इनकी जो स्कूलिंग है पहले जर्मनी में रहते थे, उसके बाद फिर पाकिस्तान आए, फिर वहाँ से सऊदीया गए, फिर वहाँ से US गए, और फिर इनके जो फैमिली है वो शिफ्टेड मतलब उनके फॉरेन सर्विस में थे, तो जो इनकी फैमिली है वो शिफ्टेड होगी दोबारा पाकिस्तान में, बट ये नहीं गए वहीं थे, एक फ्रेंड से दोस्ती बनाई राइड के लिए कि भाई वो गाड़ी है तो जाएगा रास्ते में छोड़ देगा, को अपना उल्लू सीधा करने के लिए दोस्त बनाया, बट वो दोस्त भी एक दिन जब ट्रैफिक में फंस गए उस दोस्त ने गाड़ी कहीं लगा के मस्जिद में जाके नमाज पढ़ी, ये भी पीछे पीछे आ गई भाई तू जा रहा है तो मैं क्यों ना जाऊँ, तो ये भी चले गए, बट इनको बाद में फील हुआ कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, वुज़ू कैसे करते हैं नमाज़ कैसे पढ़ते हैं तो इन्हें आता नहीं, बाद में इन्होंने जाके सीखा, फिर इन्होंने अरबी में इंटरेस्ट लिया अरबी, और वाकई में ये बात हमने और भी वीडियो करी है इसमें क्लियरली कहा गया कि कुरान को अगर समझना है ना तो अरबी समझो, अरबी में कुरान एकदम प्रॉपर समझाया जा सकता है, जो कुरान की खूबसूरती है ना वो अरबी में ही समझी जा सकती है, मतलब कुरान का तर्जुमा आप हिंदी इंग्लिश उर्दू किसी भी अलग लैंग्वेज में कर सकते हो और उससे आप समझ जाओगे, बट जो खूबसूरती है ना कुरान की वो आपको अरबी में अरबी से ही पता लगेगी कि कहाँ पर किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बात कही गई है, ये जो समझ आएगा ये अरबी में ही आएगा। तो मैं वाकई में बहुत एक्साइटेड हूँ इनका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए, पार्ट 2 एपिसोड 2। तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही हम एपिसोड 2 में, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।